ठंड है, खिड़की दरवाजे सब बंद हैं, उसके बावजूद ठंड का एहसास है। आज जो मैं बात करने वाली हूं वो कई वर्षों पूर्व 20 दिसंबर 1704 की ठिठुरती हुई सर्दी की रात की बात है, जब सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार और 400 सैनिकों के साथ आनंदपुर साहिब किले को छोड़ दिया और निकल पड़े। उस रात बहुत सर्दी की रात थी, बारिश हो रही थी, और उसी सर्दी और बारिश की रात में मुगलों ने अंधेरे में सिख सैनिकों पर आक्रमण कर दिया, जब सेना सिरसा नदी के किनारे पहुंची ही थी। बारिश की वजह से नदी में उफान था, और इसी नदी में उफान था और उस आक्रमण में कुछ सैनिक सिख सैनिक शहीद हो गए और कुछ उस नदी में बह गए, और उसी अफरा तफरी के माहौल में परिवार बिछुड़ गया। माता गुजरी और दोनों छोटे बच्चे गुरुजी से अलग हो गए। दोनों बड़े साहिबजादे के गुरुजी के साथ ही थे। उस रात गुरुजी ने एक खुले मैदान में शिविर लगाया और अब उनके साथ 40 सैनिक और दोनों बड़े साहिबजादे थे। अगले दिन युद्ध हुआ और वो युद्ध कहलाया सेकंड बैटल ऑफ चमकौर साहिब, और उस युद्ध में वो सभी सैनिक सिख सैनिक और दोनों बड़े साहिबजादे वीरगति को प्राप्त हो गए। इधर दोनों छोटे साहिबजादे माता गुजरी के साथ थे, उनको सरहिंद के किले के नवाब ने कैद कर लिया और उन्हें सरहिंद के किले के बुर्ज पर कैदियों की तरह रख दिया गया। कल्पना कीजिए, वो दो मासूम बच्चे बिना गर्म कपड़ों के उस बुर्ज पर, जिस पर इतनी ठंडी हवा चलती होगी, किस तरह उन्होंने वो दिन काटे होंगे। क्योंकि मैं एक मां हूं, उस नाते अगर मेरा बच्चा बाहर से जरा भी ऐसे ऐसे सर्दी में करता हुआ आ जाए तो मैं उसे बहुत कहती हूं कि कुछ गर्म पी लो, या मैं उसके लिए हर वो संभव प्रयास करूंगी जिससे उसको सर्दी ना लगे, उसे कहूंगी रजाई में बैठ जा। तो जब मैं कल्पना करती हूं उन दो मासूम बच्चों की और माता गुजरी के हौसले की अगर बात करूं, तो वाकई उस कुर्बानी को याद करके लगता है कि हिंदू धर्म और इस देश को 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक वाकई शोक सप्ताह के तौर पर मनाना चाहिए। क्योंकि उन्हीं की वजह से आज देश और धर्म हमारे पास है। जब वो उस बुर्ज पर कैद थे तो सरहिंद के नवाब ने उन पर दबाव डाला इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए। उन बच्चों से, उन मासूम बच्चों से कहा कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो वरना तुम्हें दीवार में चुनवा दिया जाएगा। दोनों मासूम बच्चों ने हंसते हंसते दीवार में चुनना मंजूर कर लिया, पर धर्म नहीं छोड़ा। वो धर्म के रास्ते पर अडिग रहे। सोचिए कितने महान शब्द भी उनके लिए बहुत छोटा शब्द है, उन दो बच्चों के लिए। जब मैं अभी बोल रही हूं ना तो ऐसे ऐसे लग रहा है कि मुझे शब्द ढूंढने में बहुत कठिनाई हो रही है। सोचिए सिर्फ एक सप्ते में गुरु साहिब ने अपने चारों बच्चों को इस देश पर, इस धर्म पर मार दिया। आज क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर ईव मनाते हैं, एक हिंदू होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक वाकई शोक दिवस के तौर पर मनाऊं। पहले लोग
पंजाब में तो अभी भी है, लेकिन पहले 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक लोग शोक मनाते थे, जमीन पर सोते थे। आज शायद हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, भूल जाते हैं हम अपने शहीदों को, भूल जाते हैं कि इस देश और धर्म के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी। माता गुजरी के साथ उन दोनों मासूम बच्चों ने, वो जो उस बुर्ज पर बिना खाना खाए, बिना भोजन के ठंड में रात गुजारी थी, कितना मुश्किल रहा होगा। मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है आप सबसे, और मेरा खुद से भी ये वचन होना चाहिए कि हर साल 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक मैं भी हिंदू धर्म और देश के रखवाले 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के, जो उन्होंने कुर्बानियां दी अपने चारों बच्चों को वार कर, उनको नमन करूं और उन्हीं के दिए हुए संस्कारों को अपने बच्चों में देने की कोशिश करूं कि वो भी अपने धर्म, इंसानियत और देश के लिए ये जज्बा रखें कि कभी वक्त आए तो कुर्बान होने से हिचके नहीं।